मैं 75 साल का हूँ, मेरी यूरिन की प्रॉब्लम थी, मैंने डॉक्टर राजमेरा जी के घर जा कर के दिखाया, उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा होता है यार, ऐसा करते हैं। और उसके बाद में फिर एडमिट कर दिया गया, एडमिट करने के बाद में ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन के अंदर ये सिर्फ नली लगाई गई, नली सही नहीं लगी, जिसके कारण यूरिन जो नली के थ्रू बैग में जाना चाहिए वो बैग में ना जा कर के मेरे बिस्तर में ही फैला सारा टोटली, तो नेचुरली ये सही नहीं लगी होगी, और सही नहीं लगी तो मैं डॉक्टर साहब को दोबारा दिखाऊंगा या नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, दिखाऊं मैं। जब डॉक्टर साहब के घर पे कल मैंने बच्चों को भेजा तो उन्होंने मतलब कहना चाहिए वहाँ से मैसेज मिला कि कल वहाँ हॉस्पिटल में ही देखेंगे, तो ठीक है हॉस्पिटल में देखेंगे। सुबह आए हॉस्पिटल में, उसके पहले कल शाम को यहाँ नर्स जो ऑन ड्यूटी थी उसको हमने दिखाया, उसको दिखाया तो उसमें क्या है कि जब यूरिन किया मैंने उनके सामने तो यूरिन नीचे गया है, इंद्री से निकलते हुए नीचे गया है, थैली में नहीं गया, तो नेचुरली के सही नहीं लगी थे नली। अब सही नहीं लगी तो नेचुरली मेरी प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होगी, अब मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी तो मैं वापस डॉक्टर साहब को ही दिखाऊँगा ना, और किसको कहूँगा। तो नर्स को दिखाया तो नर्स ने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने कहा कि सुबह देखूँगा मैं, अब तो सुबह आ गए डॉक्टर साहब तो मेरे को फर्जे दिखाने का, तो यहाँ मैं दिखाने के लिए बाहर गया तो उन्होंने मतलब दिखाने से मना कर दिया, नर्स भी कहती कि नहीं अंदर जाओ, नहीं अंदर जाओ, अरे भाई मेरे को डॉक्टर साहब को दिखाना है, मेरी प्रॉब्लम है मैं दिखाऊंगा, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं अंदर जाओ आप, और फिर डॉक्टर साहब बिफर पड़े, कौन होता है, मैं नहीं देखता कौन होता है, मेरे पास देखने की ज़रूरत नहीं है, असिस्टेंट के पास जाओ, डॉक्टर है अपना रोहित अजमेरा जी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ भाई, मेरे आज 75 साल की एज है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे भाग दौड़ कौन करे, मेरे बच्चा है एक मेरे साथ में है, वो खुद मौजूद था यहाँ कि भाई डॉक्टर को दिखा देंगे ये प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम के लिए तो दिखाना उनका हमारा फ़र्ज है ना, तो वो दिखाने के लिए देखा भी नहीं और डिस्चार्ज के सर्टिफिकेट बना दिए और डिस्चार्ज कर दिया और दवाइयाँ भी दे दी और भेज दिया। अब बोलिए आप मैं हॉस्पिटल के अंदर क्या करूँगा, 75 साल की एज का हूँ मैं, और आप ये देखिए कि मेरे साथ में क्या होगा। आपका नाम मेरा नाम है रामलाल राव, बैंक कॉलोनी नाका मदार अजमेर में। रामलाल जी मेरे फादर हैं, परसों उनको क्या है कि यहाँ पे जेलन हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट कराया था डॉक्टर रोहित अजमेरा के अंदर, ट्रीटमेंट इनका चल रहा था, इनके एक्चुअली बाथरूम आने में परेशानी हो रही थी, तो यहाँ पे ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद में इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद में जब से इनको जो टॉयलेट की नली लगाई थी तो उसमें यूरिन बाहर आ रहा था, तो इसके लिए हमने यहाँ से स्टाफ में यहाँ पे जो वार्ड बॉय वगैरह जो भी थे इनसे 2-3 बार क्या 10 बार बोल दिया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बोला नहीं भैया होगा होगा होगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब से भी रात को इनकी नर्स से बात हुई थी, डॉक्टर साहब के बोले डॉक्टर साहब सुबह आके देखेंगे, डॉक्टर साहब आए यहाँ पे सुबह सीधे ओटी में जा रहे थे, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी क्योंकि रात भर गीली में पड़े रहे, वो बार बार यूरिन बार बार निकल रहा था, पूरा अंदर से नीचे पूरा गीला हो रहा था बेड, ज़्यादा इनको भी सहन हो नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब से जैसे ही मिलने गए तो डॉक्टर साहब बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने बोलो कौन है ये पागल आदमी, निकालो यहाँ से बाहर, उन्होंने हाथों हाथ डिस्चार्ज टिकट बना के हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, देखो आम जनता हमारे साथ भी हो रहा था, आम पब्लिक के साथ में क्या होता होगा, पब्लिक बाहर से भी आती है तो उनके साथ में इनका क्या रवैया रहता है क्या नहीं रहता है ये तो आप खुद देखें। आगे तो पब्लिक अगर है तो आगे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा रवैया है तो अच्छा नहीं है ये, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको कम से कम ढंग से तो रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, एक बार पेशेंट को ढंग से अटेंड करें वो। ठीक है आपका नाम बताएं। मेरा उत्तम राव, मेरे फादर हैं रामलाल जी, बैंक कॉलोनी नाका मदार अजमेर में रहता हूँ।